सदमा तो लगा है, थोड़ा सा घबराहट तो हो गई है कि पाकिस्तान जैसे ऐसा हमारा जो देश है जो हमसे खफा रहा है, ऐसे देश में जाके उन्हें एंट्री कर ली है और अभी वो केस भी चल रहा हैदर वाला, उसकी वजह से थोड़ा तो सदमा लगे है कि एक वो केस चल रहा है और ये सीधे ऐसे कदम उठा रही। मेरा नाम डेविड है। डेविड, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सिस्टर है अंजू। हाँ जी। सूचना जो मिल पा रही है कि ये वो पाकिस्तान चली गई है, क्या आपको सूचना है इस बात की? हाँ जी है, बिल्कुल सूचना है। कब ये जानकारी मिली और किस कैसे मिली? जानकारी हमें फ़ोन के द्वारा उन्हीं से मिली है कि जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पहुँच गए हो, तो उन्हीं ने बताया मैं ऐसे ऐसे करके लाहौर पहुँच गई हूँ। तो लाहौर से फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तब हमें पता चला कि पाकिस्तान वाले लाहौर गई हुई है। क्या ये भी बताया उन्होंने किस लिए गई हैं वहाँ पे और क्यों गई हैं? हाँ जी बिल्कुल बताया कि मेरी सहेली है, मैं उसके पास जा रही हूँ, फ्रेंड्स के पास, कोई शादी वादी है, फंक्शन है, इसलिए जा रही हूँ, ये बताया। लेकिन जो अरविंद उनके पति हैं वो कह रहे हैं कि जयपुर बता के हमसे गई थी। वो क्या है, जहाँ वो जॉब करती है उन्होंने हफ्ते भर की छुट्टी ली थी थोड़ा सा इधर उधर घूमने के लिए। तो पहले तो उन्होंने ऐसी फैमिली साथ प्लान कर रही थी कि मैं गोवा चली जाती हूँ, गोवा एक सिस्टर रहती है हमारी उनके पास चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो वहाँ फिर वो कैंसिल, बजट नहीं हो पाया, वो कैंसिल कर दिया वहाँ। फिर जयपुर का चला उनका, फिर उनका यहाँ दिल्ली का चला, फरीदाबाद, मतलब कहीं पे भी नॉर्मली ऐसे घूमने के लिए। तो उनका फिक्स नहीं हो पाया था कि मैं इस जगह पे जाऊंगी घूमने के लिए। फिर लास्ट टाइम वो निकली है तो फिर उन्होंने ये बताया कि अमृतसर जा रही हूँ, अमृतसर का बताया। अमृतसर का बताया? हाँ जी। आपसे अमृतसर बताया और पति से जयपुर बताया? हाँ जी, हाँ जी, ना उनसे भी वही बताया ना, अमृतसर ही। हाँ, कन्फर्म में जो बताया वो अमृतसर बताया कि मैं अमृतसर गई हूँ। डेविड, ये बताइए कि चूँकि वो पाकिस्तान चली गई हैं, आपकी बहन हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि शायद उनका कहीं पैर चल रहा है या कुछ? क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे किसी से वो नसरुल्ला नाम के शख्स हैं, फेसबुक के जरिए उनसे दोस्ती हुई है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा भी चल रहा है? जब यहाँ साथ में रहते हैं वो तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं हम लोगों को कि ऐसे कोई कॉन्टेक्ट है उनके साथ, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठा लिया? हाँ जी। तो सदमा लगा? बिल्कुल सदमा तो लगता ही है जी, सदमा तो लगा है, थोड़ा सा घबराहट तो हो गई है कि पाकिस्तान जैसे ऐसा हमारा जो देश है जो हमसे खफा रहा है, ऐसे देश में जाके उन्हें एंट्री कर ली है और अभी वो केस भी चल रहा हैदर वाला, उसकी वजह से थोड़ा तो सदमा लगे है कि एक वो केस चल रहा है और ये सीधे ऐसे कदम उठा रही। वही आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला आपके माता पिता गया और भी फैमिली मेंबर्स थे? सब ने उनको यही बोला कि डांट के कि तुम ऐसे वहाँ क्यों चली गई हो अचानक से, यही रहा। डेविड, ये बताइए क्योंकि 16 साल उनकी शादी को हो गए थे अरविंद के साथ, क्या आप उनके ठीक थे या अचानक से इतना बड़ा स्टेप क्यों उठा रही, क्या लगता है आपको? तो संबंध की बात है तो फैमिली यहाँ पर रह रही है और मैं उनका साला हूँ, मैं भी साथ में आके रह रहा हूँ, उनका संबंध मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं है और शादी को काफ़ी टाइम हो गया, फैमिली साथ में रहती है, दो बच्चे हैं, ऐसा कोई उनका रिलेशन में ऐसा तो वो कोई वो नहीं था। ये बताइए, अच्छी खासी उनकी लाइफ थी। आपकी सिस्टर से? मेरी बात तो नहीं हुई है लेकिन घर में बैठ के सबके सामने स्पीकर ऑन करके बात सामने हुई है। क्या कुछ घबराहट लग रही थी उनकी तरफ से बातों से कि थोड़ी घबराई हुई है या खुश हैं वो वहाँ जाकर कुछ ऐसे? उनकी बातों से जब हमने लास्ट टाइम रात में कॉल करी थी तब घबराई हुई तो कोई बात नहीं थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग खामखा परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगी, दो चार दिन में मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और वहाँ पीछे से जो वॉइस आ रही थी वो बच्चों की आवाज़ आ रही थी, बच्चों की मतलब ऐसी आवाज़ आ रही थी कि फैमिली के साथ बैठी हूँ। हाँ, क्या कोई आपको ऐसा लगता है कि कहीं जो पाकिस्तान में है और किस मकसद से वही, हालांकि वही बता सकते हैं लेकिन जानकारी है यार किसी से मिलने गई है, अगर वहाँ जाकर वो अगर वहीं रह जाती हैं या शादी वगैरह कर लेती हैं या कुछ ऐसा स्टेप उठा लेती हैं तो तब आप लोग क्या करेंगे? तब तो भाई हमारा स्टेप यही रहेगा कि जो भारत के साथ जो गद्दारी करेगा, जो हमारे भारत देश के साथ, तो वो उसको हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो वहीं के वहीं रहे, हमें ज़रूरत नहीं है फिर। चूँकि एक बड़ा ही एक मामला अभी भी ताज़ा हो रखा है सीमा हैदर का, वहाँ से पाकिस्तान से भारत एक लड़की आई है, चार बच्चे उनके साथ हैं और अब यहाँ से अंजू गई हैं,
क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन इस तरह का चीज़ें हो रही हैं, क्या ये रिश्तों को ख़राब कर रही हैं चीज़ें, या लोगों के आपसी संबंध इतने गैप हो गया कम्युनिकेशन का, किस कारण से ऐसे रिश्तों को क्या बता रही है? ये रिश्तों को तो बिल्कुल ख़राब कर ही रही है, और ये जो सोशल मीडिया चल रहा है इसमें मतलब ये है, सब लोग बिगड़ रहे जा रहे हैं, बुरा हाल है, कोई भी इसमें फंसता चला जा रहा है। अब जैसे कि पता चल रहा है सोशल मीडिया से कनेक्ट होके बात हो रही है, तो जिससे भी बात हुई होगी उसने किसी भी चीज़ बहाने से बहला फुसला के कुछ तो लालच दिया होगा, तभी वहाँ तक गई है वो किसी लालच से, यही है। क्या आपको लगता है कुछ चूँकि पाकिस्तान गई हैं और सोशल मीडिया के थ्रू गई हैं, कुछ गलत भी हो सकता है इसमें? देखो उनसे जो बात हो रही है उनसे तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो नॉर्मली बात कर रही है। डेविड, क्योंकि आपकी बड़ी बहन है वो, और हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, गलती अगर हुई है तो माफ़ी भी। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जहाँ अगर वो गलत दिखेंगी कि वो गलत तरीके से गई हैं और गलत काम के लिए गई हैं वहाँ पे, तो फैमिली को किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया, भले ही वो सही तरीके से गई हैं पासपोर्ट बनवा के वीज़ा लेके, हाँ जी, लेकिन जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक दरार जरूर पड़ेगी, आपको लगता है ऐसा? तो बिल्कुल थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी खटास। हम अंजू के बच्चे क्या कहते हैं? अंजू के बच्चे जी यही कहते हैं, मम्मी को जल्दी से बुला लो, पता नहीं कहाँ चली गई है, ये कहते हैं मम्मी को बुला लो बस।